जी नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 चैनल से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में बीन एंड ग्रीन कैफ़े के बाहर हम मौजूद हैं। नाज़रीन, बहुत सी जगह अपने खानों की वजह से मशहूर हैं, अगर उनकी बात की जाए तो आज का मेरा प्रोग्राम ये इस बात का मुकम्मल ना होगा। आज हम ऐसे ही एक हाई टी कैफ़े के बाहर जो बड़ा मशहूर है, जिनका नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव है, बीन एंड ग्रीन के नाम से ये फैमिलीज को क्या एंटरटेनमेंट दे रहा है, आइए आज उसे जानते हैं जो फैमिलीज अंदर एंजॉय कर रही है। नाज़रीन, आज जानते हैं कि बीन एंड ग्रीन कैफ़े में फैमिलीज कैसे एंजॉय करती हैं, कौन कौन से खानों से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं और कौन कौन से खाने यहाँ पे मुहैया किए जा रहे हैं। सफाई के इंतज़ाम के हवाले से इनसे बात करेंगे कि सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे क्या है। जी मैडम, आप यहाँ पे हाई टी के लिए आई हैं जी, तो क्या महसूस कर रही हैं कि खानों के हवाले से आप हमें कुछ बताएं? 24 चैनल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत यमी है और वैरायटी भी अच्छी है जो एक हाई टी में होना चाहिए। सब बेसिक्स हैं और डिज़र्ट्स भी अच्छे हैं, एपेटाइजर्स अच्छे हैं, चाइनीज़ इनका बहुत अच्छा, स्टेक इज़ टू गुड एंड आई एम लाइकिंग, स्पेशली बजट फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात है इस बजट में आपको ये अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आपने एंजॉय किया? मैंने एंजॉय किया, एवरीथिंग इज़ टू गुड और बहुत अच्छा जायका है, हम तो सेटिस्फाइड हैं। जी खाना काफ़ी टेस्टी था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई विल कम अगेन हियर। तो फैमिली के साथ मैं आया हूँ तो काफ़ी खाना है कि क्वांटिटी भी सही थी और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो सबसे बेहतरीन डिश आपको क्या लगी? जी मैंने स्टेक्स के साथ पास्ता उन दोनों को मिला के खाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ पे जो कुछ भी खाया सब कुछ खाने में बहुत मज़े का था, इनका टेस्ट हर चीज़ का बहुत अच्छा है और बस यही कि लोग आए यहाँ पे बहुत मज़े का, यहाँ पे बहुत मज़े का खाना मिला। अच्छा जी, ये बेस्ट है, इसकी सारी हाई टी की सभी आइटम्स बहुत अच्छी हैं और सबसे जो बेस्ट चीज़ है अगर हम स्नैक्स में बात करें तो वो है जी फिंगर फिश। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन कोर्सेज, आई रियली लाइक द चिली चिकन ड्राई एंड द स्टेक इज़ वेल। All over, it's a very good experience and I would definitely recommend to everyone. Please come here. मैं तो खैर मेरा first visit यहाँ पे और दूसरा है कि अभी मैंने इतना कुछ taste नहीं किया but so far जो भी मैंने खाया है it's very good and it's very friendly environment here. So I would recommend anybody to come here. So it'll be good for you guys. It's worth of your money. मैं high tea करने आया हूँ और excellent high tea. Each and every item was up to the mark. I really like their main course. I really like the dishes that they have served over here, and I would invite everybody to come here and enjoy. Thank you. Special dish coffee. Finger fish was extremely lovely. We really liked it. आपने क्या खाया? क्या पसंद करती हैं आप? मुझे finger fish अच्छी लगी और sandwich. Sandwich. आपको बाबा? I like the finger fish and that sauce with the finger fish. Another food. Fruit chaat. You like the sweets? Yes, I like the dessert. अच्छा सर, आज आप हाई टी पे आए हुए हैं। जी जी। कौन सी ज्यादा डिश आपको? फिंगर फिश। फिंगर फिश। बेस्ट है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? इनके म्यार म्यार बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। कंपैरेटिवली अगर आप बाकी रेस्टोरेंट की बात करें तो ये एक इकोनॉमिकल भी है और बेहतर है, बाकियों से ये बहुत आगे है। मैंने फिश खाई और मैं पहली दफ़ा आया, फर्स्ट टाइम, तो अच्छा माहौल था, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बार बार आएँ आप लोग। हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है, अपने माँ बापा के साथ आए हैं, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है और मुझे इनका पिज़्ज़ा सबसे अच्छा लगा है। अच्छा। और मैं एडवाइस करूँगा कि यहाँ पर और भी लोग आएँ और इन्जॉय करें। उसका भी टेस्ट अच्छा, लेकिन ज़्यादा मुझे पिज़्ज़ा पसंद आया। तो यस, आप बच्चे क्या कहेंगे? मुझे ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा और मंचूरियन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे कुछ एक बंदा तो नहीं कर सकते, टीम वर्क होता है। अच्छा। तो जो उमर मुनीर साहब हैं वो भाई हैं, वो देखते हैं कैफ़े को। अच्छा। तो उनके साथ ही हम बेकरी को भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मिलके पूरी टीम के साथ एक सिस्टम चलाया हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। मैनेज हो रहा है टीम वर्क के साथ, वो देखते हैं कैफ़े को, मैं ज़रा बेकरी साइड को सारी को देख लेता हूँ। कौन कौन सी आइटम्स तैयार की जाती है आपकी बेकरी? बेसिकली बेकरी के हर तरह की बेकरी आइटम जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेशलिटी जो है वो हमारी बिस्किट्स हैं, मिठाइयाँ हैं और कुछ स्नैक्स के हैं,
देखिए जी, मियार की बात की जाए तो हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं फ्रेश फ्रॉम फार्म है, ठीक है जी, जिसके अंदर सब्जियां कह लें, ठीक है, दूध कह लें, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर जो है वो कस्टमर फीडबैक दे सकते हैं। हमने तो अपना बेस्ट दिया हुआ है, हम किसी को टारगेट नहीं करते कि जी उसका बुरा है या हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है। जी नाज़रीन, आपने देखा लोगों का जोश व खरोश और किस तरह उन्होंने इस रेस्टोरेंट की जो लजीज खानों के हवाले से बातें की, यकीनन आपको पसंद आया होगा ये प्रोग्राम, और कोशिश कीजिएगा आप भी बीन एंड ग्रीन रेस्टोरेंट में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर आपको तरह तरह के मुख्तलिफ खाने, बेहतरीन मियारी खाने आपको मैसर आएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।